ब्रह्मागुड़ी टेम्पल, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरी जगन्नाथ टेम्पल। तैयारी चल रही है, फूलों से पूरा सजाया जा रहा है मंदिर को। तो ये मंदिर का बाहर का नजारा है और इधर पे पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये मंदिर के एंट्रेंस है गाइस, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और दोस्तों जैसे कि आज पता है साल, तो आज हम लोग जाने वाले हैं हैदराबाद के एक मस्त बहुत ही पूरी का जो फेमस मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, तो हैदराबाद में भी बना हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको लेके चलता हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ का लोकेशन भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप भी हैदराबाद में रहते हो तो वहाँ पे भी एक पूरी जगन्नाथ टेम्पल जो है ना, भगवान के दर्शन करने आप जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग का ड्रेस कोड है ग्रीन, देखो ग्रीन शर्ट ग्रीन टी शर्ट, और मेरा भाई आया है वो भी ग्रीन ही पहना होगा, तानिया भी ग्रीन ही पहनी सूट शायद। चलिए देखते हैं अंदर बाहर जाके। सूरज का फ्लैट है, और जैसा कि देखिए इसका बाइक, मेरा बाइक, ड्रेस कोड ग्रीन है आज का। तो कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाया था दक्षिणेश्वर कैसे जाना है, गोलकुंडा कैसे जाना है, और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हैदराबाद में पूरी जगन्नाथ टेम्पल कैसे जाना है। चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। पदम्मा टेम्पल, पदम्मागुड़ी टेम्पल, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरी जगन्नाथ टेम्पल। सो साल का आखिरी दिन है, आज हम लोग टेम्पल विजिट कर रहे हैं भाई। ये देखो नियरेस्ट मेट्रो जो है पदम्मागुड़ी जो है ना मेट्रो स्टेशन, आप आ सकते हो अगर आपको पदम्मा टेम्पल आना है तो। और मेट्रो के ठीक बगल में ही है मंदिर, चलिए दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। पदम्मा टेम्पल पे चलिए अंदर चलते हैं, और अंदर पे जाके आपको मंदिर का जो है ना पूरा दिखाते हैं व्यूज़ वगैरह। चलिए, काफ़ी भीड़ है अभी अंदर में मंदिर में। ये गाइस मंदिर का बाहर का नज़ारा, नो पार्किंग है बट यहीं पे सारे बाइक पार्क हैं, तो हमने भी यहीं पे पार्किंग कर दिया। तो ये मंदिर जो है आपको जुबली हिल्स में पड़ता है, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है गाइस, और काफ़ी सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, काफ़ी सिक्योरिटी है भाई। पिकनिक स्पॉट टाइप का है ये, पेड पार्किंग भी है, टू व्हीलर 10 रुपये, थ्री फोर व्हीलर 40। पेड पार्किंग है तो ले आ बाइक। ठीक बाहर ही है, आपको यहाँ पैर वैर धोने का ये मिल जाएगा, तो शूज़ स्टॉल भी है, तो वहाँ जाके अभी जूता चप्पल खोल के रख देंगे। और ये मंदिर का बाहर का नज़ारा है यहाँ पे, देखो चप्पल स्टैंड। यहाँ पे आपको आपका चप्पल जूता यहाँ पे खोल के रखना है। यहाँ चप्पल स्टैंड 10 रुपीस लगता है एक झोला में, आपको वहाँ पे सब चप्पल डाल के अब टोकन आपको दिया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं पैर हाथ धो के मंदिर में, वहाँ पे था ना। पैर हाथ धो सकते हो आप, बगल में मंदिर है।
ये मंदिर का एंट्रेंस है गाइस। बॉय सेक्शन अलग, लेडी सेक्शन अलग। ये सिक्के को खड़ा कर रहे हैं ऐसे, मतलब ये क्या मान्यता है समझ में नहीं आ रहा। काफी सारा सिक्का देखो खड़ा भी है। ये इधर से एंट्रेंस है और ये मंदिर की टाइमिंग है गाइस। जा रहे हैं अंदर हम लोग भी ऐसे। एंट्रेंस तो ये अच्छा है आपको भीड़ को कंट्रोल करने में, ऐसे लाइनिंग्स वगैरह ना बहुत काम आते हैं ये सब बैरिकेडर्स। की तैयारी चल रही है, फूलों से पूरा सजाया जा रहा है मंदिर को। कल न्यू नया साल है ना, और ऐसे बहुत सजाया हुआ है फूल से यहाँ पे मंदिर को। प्रसाद के रूप में जो है ना चूड़ी दिया जाता है और सभी को देखिए चूड़ी पहन रही है। और ये एग्जिट है मंदिर का। और यहाँ पे देखिए आंटी जी लड्डू जो है ना चढ़ाए थे। और यहाँ पे खाने का रेस्टोरेंट टाइप का भी बना हुआ है। और देखिए इस तरीके का लॉन एरिया आपको देखने को मिलेगा। श्री लक्ष्मी, श्री गणपति, सरस्वती, नाग देवता टेम्पल का जो रास्ता है ये इधर जा रहा है। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। देवता का मंदिर, और यहाँ पे आप प्रसाद खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। पेट प्रसाद है, आपको यहाँ से प्रसाद जो होता है ना आप ले सकते हो। और देखो मंदिर के बाहर आप अगर फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पिकनिक भी मना सकते हो। देखो इधर टेंपल है और इधर पे जो है ना पूरा पिकनिक स्पॉट है। सो पेट पार्किंग भी है, आप फोर व्हीलर से आते हो तो वो भी आप यहाँ पे पार्क करके अपने फैमिली के साथ कुकिंग वुकिंग करना है जो भी है, पिकनिक स्पॉट टाइप का भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कोलकाता फूड बाजार का पब एकदम पूरा आपको। चलो नारियल चढ़ाना चाहते हो तो ये कोकोनट का ब्रेकिंग एरिया, यहाँ पे आके आप नारियल फोड़ सकते हो। चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे नारियल को यहाँ पे फोड़ के ऐसे चढ़ाया जाता है। मंदिर में अंदर दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस, अब पूरी जगन्नाथ टेंपल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप भी यहाँ पे आ सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे मंदिर में। कार पार्किंग भी यहीं पे है, पेड बाइक पार्किंग भी यहीं पे है, 20 रुपये 50 रुपये। तो यहाँ पे ये पूरा पार्किंग है, तो सब कुछ मंदिर के अंदर ही है, आप आ सकते हो और माँ के दर्शन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं पूरी जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करने। मंदिर के ठीक बाहर ही यहाँ पे आपको पार्किंग वगैरह मिल जाएगा। यहाँ नहीं है पार्किंग, आगे है। किधर से? उधर से। ये पार्किंग नहीं है, आगे से आपको लेफ्ट जाके पार्किंग लेना होगा। और ये मंदिर का बाहर का नज़ारा, यहाँ से अंदर जाके आपको ये करना है एरिया का। देखो कलिंगा कल्चरल सेंटर के बगल में ही है,
इधर ही जाके आपको बाइक पार्किंग करना है यहाँ पे। मंदिर का बाहर का नज़ारा है और इधर पे पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध है। पार्क करके यहाँ से एंट्री है मंदिर का, तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। स्टैंड भी है, आप शूज वगैरह यहाँ से खोल के अंदर जा सकते हो। तो फ्री है, ये लग रहा है फ्री शूज स्टैंड है दिया। और ये अंदर जाने का रास्ता, यहाँ पे पैर हाथ धो के आप अंदर जा सकते हो। और ये मंदिर के एंट्रेंस है गाइस, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता पूरा। तो ये गाइस, यहीं से आप पूजा दिया जलाना, पूजा करना, अगरबत्ती जलाना, यहाँ से करके आप जो है मंदिर में दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से आपको स्टेप्स चढ़ के अंदर जाना है। अब देखते हैं अंदर फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है। मुझे लगता है नहीं होगा जगन्नाथ टेंपल में।